नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन पे। जैसा कि आप लोग को पता लग गया होगा वीडियो के थंबनेल से कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है, एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम आपको एक प्रोफेशनल बैनर बनाना सिखाने जा रहे हैं, एक अपने लिए यूट्यूब का प्रोफेशनल बैनर कैसे बनाएंगे। एक यूट्यूब प्रोफेशनल बैनर बनाना सीखे इससे पहले आप जान लीजिए कि बैनर होता क्या है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि उनके चैनल्स के ऊपर एक प्रोफेशनल बैनर कुछ इस प्रकार से लगा हुआ आता है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर पा रहा हूँ। ये माय स्मार्ट सपोर्ट जो कि धर्मेंद्र सर का यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल्स के ऊपर बैनर लगा पड़ा है। तो कुछ इसी तरह का अट्रैक्टिव बैनर आप भी अपने यूट्यूब चैनल पे लगा सकते हैं। आप एक और चीज बता दूं आपको कि इस बैनर की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए मैं दोबारा से उसी बैनर को आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये माय स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर का बैनर है। इस बैनर पे लिखा हुआ है वेलकम टू माय स्मार्ट सपोर्ट, यानी कि ये बैनर आपको बताता है कि इस समय आप माय स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल्स पे हो। और साथ ही देखिए इन्होंने अपने चैनल्स के नाम के नीचे लिख रखा है अपने चैनल के बारे में जानकारी कि उनका चैनल जो है क्या कुछ प्रोवाइड करवाता है। जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे, लेटेस्ट टेक ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ट्यूटोरियल, टिप्स, यानी कि जो धर्मेंद्र सर है लोगों को लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, इसके साथ ही ट्यूटोरियल टिप्स भी देते हैं और रिव्यू भी करते हैं किसी भी चीज का, और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अनबॉक्सिंग भी करते हैं। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है बैनर की वजह से कि वो चैनल क्या करता है। इसी तरह से अगर आप भी अपने चैनल पे एक प्रोफेशनल बैनर लगाएंगे तो आपके जो व्यूअर है उनको पता लग पाएगा कि आपका चैनल रियल में करता क्या है, यानी कि आपका चैनल जो है किस फील्ड से रिलेटेड है। वो यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स बनाता है, न्यूज का चैनल है, कॉमेडी का चैनल है, एंटरटेनमेंट का चैनल, इस तरह की जानकारियां जो है आपके व्यूअर को पता लग पाएगा। इससे आपके व्यूअर का जो विश्वसनीयता है आपके चैनल के प्रति बढ़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो फाइनली हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे और हम ओपन कर लेते हैं पिक्सल एब ऐप, जिसके मदद से हम यूट्यूब का बैनर क्रिएट करेंगे। तो ये रहा पिक्सल एब ऐप, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो आपको बता दूँ ये जो साइज है, ये हम यूट्यूब पे कम्युनिटी पेस्ट में जब कोई इमेज पोस्ट करते हैं तो उसका साइज है, और हमें बैनर का साइज चूज करना है पहले। तो इससे पहले एक काम कर लेते हैं, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस कलर का जो बैकग्राउंड रखना है अपने बैनर का। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक कलर सिलेक्टेड है, उसके अलावा आप यहाँ से नीचे से कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसे ये कलर ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑप्शन है गैलरी का, यहाँ पर क्लिक करके इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें से कलर जो है जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं, हम विविड कलर को ले लेते हैं और हम अपना जो है क्रिएट करना शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो सबसे पहले हमें इसका बैनर का साइज लेना है। तो इसके लिए ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 डॉट है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा इमेज साइज का, तो इस पर क्लिक करना है। उसका जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन आता है, देख पा रहे होंगे। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे जो कस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे कॉर्नर में एरो बना हुआ है, तो हम सिंपल सा इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब बैनर, ये चौथे नंबर पे, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। और हमारा जो साइज है बैनर का वो होता है 2560x1440 का, तो हम इस पर सिंपल सा क्लिक कर लेंगे। अब ये हमारा जो साइज आ गया बैनर का आ गया। अब हम टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ऑटोमेटिक न्यू टेक्स्ट आया हुआ है, तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के लिए पेंसिल का निशान बना, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये न्यू टेक्स्ट है, इसको हम एडिट करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले वेलकम टू
ठीक है, अब इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये वेलकम टू आ गया है। अब इसका जो है हम साइज छोटा कर लेंगे। तो ये साइज का ऑप्शन आ गया, अब हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और छोटा करने के बाद हम इसको सेंटर में एडजस्ट करेंगे। देखिएगा, ये कुछ भी आप लिखिएगा तो इसके सेंटर में लिखिएगा, चारों तरफ छोड़ के, ताकि जो हम एडजस्ट करेंगे तो बढ़िया से एडजस्ट हो पाए। अब इसका जो है हमें पतला सा फॉन्ट दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट को भी हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा फॉन्ट चूज करने का। तो ये आप देख पा रहे होंगे फॉन्ट का है, तो हम यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, ये चेंज होते जाएगा, तो हमें जो अट्रैक्टिव लगेगा हम उसको लेंगे। देखिए हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ये आ गया, थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है ये, तो हम इसको ले लेते इस वाले फॉन्ट को, अमरनाथ बोल्ड को, और इसको हम ओके कर देते। तो ये आ गया वेलकम लिखा हुआ। अब इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं और हम दूसरा टेक्स्ट लेते हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, दूसरा टेक्स्ट लेंगे, उसके बाद ये न्यू टेक्स्ट आ गया, तो इसको हम एडिट कर देंगे। अब एडिट करके हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे अपने चैनल का नाम। फॉर द एग्जांपल मेरे चैनल का नाम बिहार डेलीगेशन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बिहार डेलीगेशन। यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ ए पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइज का, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया वेलकम टू बिहार डेलीगेशन। अब हमें क्या करना है, इसका भी जो फॉन्ट है थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का ले लेंगे। ये थोड़ा सही लग रहा है, तो हम इसको ले लिए बिहार डेलीगेशन, वेलकम टू बिहार डेलीगेशन। अब नीचे इसकी जो भी कलर है वो थोड़ा डिफरेंट लगते हैं। ये सब जो है आपको अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप और कितना सुंदर बना सकते हैं। मैंने ये कलर चूज कर लिया बिहार डेलीगेशन। अब यहाँ पे हम कर देंगे ओके। अगर आप चाहे तो इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जो है फॉन्ट में स्टाइल वगैरह में कुछ और भी चेंजेज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा जेन्युइन लगे। तो हम इसको फ़िलहाल बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड करके छोड़ देते हैं, इटैलिक नहीं करते हैं, और इसको हम ओके कर देते हैं। अब जो हमारे को फाइनल काम करना है वो करना है निचले हिस्से में, यानी कि हमारा जो चैनल है वो किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। तो हम यहाँ पे वापस निशान लेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लगा लेंगे, और इसको अब हम एडिट कर देंगे। जैसे अगर हमारा चैनल आपको न्यूज देता है तो ऐसे न्यूज लिख देना है, उसका प्लस का निशान देना है, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक देते हैं तो ऐसे लिख देना है यूट्यूब टिप्स। ऐसे जो आपका चैनल हो, जैसे मान लीजिए कि आपका चैनल कॉमेडी का है, तो आप यहाँ पे कॉमेडी मेंशन कर सकते हैं।
और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अगर आप चाहे, अगर एडजस्ट ना होता हो और छोटा बड़ा होता हो तो इसको आप अपने साइज से रख लीजिएगा। और यहाँ पे हमें सिंपल सा इसको अब क्या करना है, इम्पोर्ट करने लगा है। दोस्तों अगर आप चाहे तो इसमें यहाँ पे आप इमेज वगैरह भी अपना रख सकते हैं, इस जगह पे इमेज वगैरह भी रख सकते हैं इम्पोर्ट करके, लेकिन फ़िलहाल मैं रखने नहीं जा रहा हूँ। अगर इमेज रखना हो तो आप एक इमेज रख ऑलरेडी अपने गैलरी में सेव रखिएगा, जिसका कि बैकग्राउंड हटाओ। उसके बाद आपको यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से गैलरी में जहाँ सेव होगा वहाँ से आपको सिंपल सा इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से एक उठा ले रहा हूँ अपनी इमेज, और उसके बाद इसको ओके करेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे इधर या इधर कहीं भी जहाँ बढ़िया लगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके देखता हूँ। और इस अगर आपको इमेज लगानी हो तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपका स्टाइल है टेक्स्ट का वो यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा सेंटर में और होना चाहिए ताकि ये इमेज के लिए यहाँ पे जगह बच सके। इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे सेव कर देता हूँ, देखता हूँ एडजस्ट होता है कि नहीं होता है तो मैं अपने लिए दोबारा बना लूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद था आपको बैनर बनाना, जो कि ऑलमोस्ट बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको चैनल के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। चैनल के ऊपर लगाने से पहले आप इसको सेव कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है तो सेव एज इमेज कर लीजिए, और इस यहाँ पे आप सेव टू गैलरी कर लीजिए तो ये गैलरी के अंदर सेव हो गया है। अब इस ऐप को आप बंद कर लीजिए और आप यहाँ से सीधा चलिए यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है ओपन। अगर कंप्यूटर पे है तो यहाँ पे आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा सिंपल, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके, और सबसे पहले अगर मोबाइल पर है तो डेस्कटॉप मोड जो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके चैनल के नीचे क्रिएटर स्टूडियो आएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा योर चैनल का, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कस्टमाइज चैनल का, आपको सिंपल सा जो कस्टमाइज चैनल है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे पिक्चर जो है, अब जो भी आपने इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे एडजस्ट करना है आपको। तो गैलरी में आइए, गैलरी में आने के बाद वो जो पिक्चर जो हमने बनाया था वो पिक्सल ऐप के फोल्डर में सेव है, तो यहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए इसको। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से जो हमारा है चैनल के ऊपर, यानी कि मोबाइल के ऊपर इस तरह से शो करेगा बिहार डेलीगेशन न्यूज़। अगर कोई टीवी पे देखता है तो इस तरह से हमारा चैनल शो करेगा, सॉरी यहाँ पे डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे इस तरह से, टीवी पे इस तरह से, मोबाइल पे इस तरह से, ये लगभग एडजस्टेड है। अब इसको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, उस हिसाब से क्रॉप कर लेंगे। तो देखिए इतना हिस्सा जो है
आ पा रहा है, ये एडजस्ट सही से नहीं हुआ है, या इनकी आप ध्यान रखिएगा, आगे जो लिखिएगा उसको सेंटर में लिखिएगा ताकि एडजस्ट हो सके। तो इस तरह से आप जो है अपना बैनर बना के एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल बढ़ा के एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे चैनल पे फाइनली मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है और ये देखिए चेंज हो चुका है। बिहार डेलीगेशन न्यूज यूट्यूब ट्रिक्स एंड टिप्स। तो आप भी इस तरह से अपना जो चैनल पे है बैनर लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।